मलाल तो होता होगा ना कि आप स्टार हो गई हैं, सुपर स्टार हो गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि भोजपुरी में अगर देखेंगे तो जो बॉलीवुड है उससे विपरीत यहाँ पर सिचुएशन है। यहाँ पर जो मेल डोमिनेंट है सिस्टम, यानी उनका रेट ज्यादा होता है। अगर जो पुरुष अभिनेता है उनकी कीमत ज्यादा होती है और जो महिला होती है उनकी कीमत कम होती है। मलाल है, वो हर इंडस्ट्री में रहती है, उसका मलाल आजीवन रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे कोई चेंज भी कर पाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों यहाँ का ऐसे, ये लाइक पता नहीं यहाँ कितना का अंतर होता है। अगर किसी को 2 करोड़ मिल रहा है तो काजल राजपाल को कितना होता है? नो कमेंट। नहीं एक्चुअली बहुत अंतर होता है, क्योंकि बहुत होता है। अगर वो करोड़ में आते हैं तो फिर आप लाख में, ऐसा है क्या? हाँ जी, इतने का अंतर होगा, ये गैप कब? ऐसा भी नहीं है, देखिए 1 करोड़ हुआ तो 99 लाख भी होते हैं, बट ऐसा नहीं कि 99 लाख देते हैं 1 लाख। आगे आप नहीं बढ़ पा रहे? बढ़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइक यहाँ पे कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिनको उनका मतलब मनचाहा मिलता होगा, बट ये बात है कि लाइक हीरो को जितने मिलते हैं, एक्टर को, मेल एक्टर को जितना होता है उतना फीमेल एक्ट्रेस को नहीं दिया जाता। जबकि जितना दिन वो शूट करते हैं उतना दिन हम भी शूट करते हैं, फीमेल एक्ट्रेस जितनी भी है सब लोग तय करता है, प्रोड्यूसर से करते हैं। सब कहते हैं कि हीरो मतलब हीरो से फिल्में चलती है, हीरो से फिल्में चलती है, सो हम लोग भी अब ज्यादा नहीं बोल सकते उसमें। क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलने जाएंगे तो फिर हम ही फिल्म से आउट हो जाएंगे। अच्छा, भिखारी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, भोजपुरी के क्षेत्र की है। और जयंती है भिखारी ठाकुर की, लेकिन जो भोजपुरी की वर्तमान हालत है, एक वर्ग में सिमट कर रह गया है और जो सभी वर्ग के श्रोता हैं एक साथ एक बेडरूम में बैठ कर मूवी नहीं देख सकते, तो भिखारी ठाकुर की आत्मा तो रो रही होगी। रो तो रही होंगी, और हमारे जितने भी मतलब हमारे जो यहाँ के जो एक्टर्स थे, जो पहले के, अभी का जो आई थिंक थर्ड जनरेशन है ना, अभी मुझे नहीं पता कौन सा जनरेशन चल रहा है भोजपुरी का, पर अभी का जो जनरेशन है उसके पहले जो जनरेशन के जो हीरोज थे और उसके पहले के भी जो थे, लाइक अभी मैंने एक दिन पहले या कल ही मैंने शायद कुणाल जी का भी इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ आज के जनरेशन से। बट देखो सीरियसली बताओ ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने वर्क को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ, और कुछ चीजें मुझे चुभ जाती है कि मतलब हम इतना मेहनत करते हैं, हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस से बहुत मेहनत करती है, जो हार्ड वर्किंग है यहाँ पे करती है वो, और लाइक चुभती है बात है यार, हम लोग इतना करते हैं तो मीन्स क्यों इतना लाइक सब इतना क्यों यहाँ पे इतना चल रहा है, खिचड़ी चल रही है, पता नहीं क्यों। ये जो अभी हाल में प्रकरण हुआ है खासकर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच, जिस तरह से ट्विटर वार, सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, और भिखारी ठाकुर की पहचान जो है अब किसी से छुपी नहीं है, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भोजपुरी को पहचान दी है। उनके शब्दों की बात करेंगे तो एक अलग शब्दावली उन्होंने भोजपुरी में गढ़ी। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो अपने आप को सुपर स्टार कहते हैं, अभी किस तरह सुर्खियों में है आप समझ सकती हैं? मैं समझ सकती हूँ, और अब अगर भिखारी जी जो हैं हमारे जो लीजेंड है और उनकी आत्मा को ठेस पहुँच रही होगी, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ पहुँच ही रहे होंगी। हमारे जो अभी के भी जो हमारे एक्टर्स हैं पुराने जो है, सब लोग जो बहुत लीजेंड रहे हैं और फेमस रहे हैं और हिट रहे हैं सब, उनको भी बहुत बुरा लगता है, तो सबको मेरी तरफ से तो मैं मतलब माफी मांगूंगी अगर हमारी वजह से कोई गलतियां हुई हैं यहाँ पे, तो सीरियसली बता रही हूँ, तहे दिल से सॉरी बोलूंगी सबको। बट बाकी की जो चीजें आपने मुझे पूछी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो दर्शक है, जो श्रोता है, दुनिया जानती है, उन्हीं के दम पर वो अपनी पहचान स्थापित कर पाए। आप क्यों माफी मांग रही है अगर कोई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है? बुरा लगता है से मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं अभी भी मैं अपने कई फ्रेंड्स से मैं बोलती हूँ जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स से, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं 4 दिन से सबको यही बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, किस जगह जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके खिलाफ हो रहा है, इनके खिलाफ आप बोलना नहीं चाहते हैं, या अगर बोलेंगी तो लगता है कि मतलब फिल्में छीनी जाएंगी, ऐसा भी डर होगा? स्टार है मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे में, कुछ तो होगा ना कि मतलब खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, यही फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर इनसे संपर्क करते हैं, इनके बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसा लगता होगा? देखिए दोनों ही हमारे इंडस्ट्री के स्टार हैं और दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने मतलब बचपन से उन्होंने आज तक यहाँ तक बहुत मेहनत करी है, और बस इतना ही है कि उस मेहनत को जायज नहीं मतलब जाने नहीं देना चाहिए, और लाइक मतलब जो मेहनत की है तो उसका फल मिले
बस मैं यही चाहूंगी। और वो लोग सच्ची में बहुत हार्ड खेसारी वर्किंग लाल है। के मिजाज को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे आप, क्योंकि काफी सुर्खियों में आप रही है एक समय में। खेसारी लाल काजल राघवानी दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू लग रहे थे एक समय, चर्चा की बात अगर करें बस तो आज वो दूरियां है या फिर वो नजदीकियां आज भी कायम है? नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं है, आज भी फिल्मों की ऑफर्स आती हैं, बट हमने ऑलरेडी साइन करके रखी फिल्में हैं और उन्होंने